हमारे इस यूट्यूब चैनल नॉलेज टेक पर। दोस्तों आज बात करेंगे अलाहाबाद यानी प्रयागराज के रेलवे के रूट मैप के बारे में। अलाहाबाद को आप इस मैप में देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त रेलवे का नेटवर्क है। ऐसा नेटवर्क उत्तर प्रदेश के और किसी शहर में नहीं है मेरे हिसाब से। मैंने सबके मैप देखे और सब पे वीडियो बना रहा हूँ। और ये है दोस्तों सेंटर में प्रयागराज अलाहाबाद का रेलवे जंक्शन, और ये एकदम संगम के बिल्कुल नज़दीक है। आप देख सकते हैं ये यमुना नदी यहाँ से निकल रही है, और यमुना नदी यहाँ पे मिल रही है, और यहाँ गंगा नदी निकल रही है। यहाँ पे गंगा नदी और यमुना नदी का संगम बन रहा है, और यहाँ पर प्रयागराज है। प्रयागराज से जंक्शन से चारों तरफ से रेल लाइन आके जुड़ी हुई है। पहले हम दोस्तों उत्तर की तरफ की बात कर लेते हैं, यानी ऊपर की तरफ। उत्तर की तरफ निकलते हैं तो ये तीन डायरेक्शन में फिर से डिवाइड हो जाती है। तो पहले हम उत्तर की तरफ ही आगे बढ़ते हैं, तो ये रेल लाइन मऊ, एमा और दुबई तक चली जाती है। और दोस्तों जो बाईं तरफ जा रही है रेल लाइन, ये पश्चिम की तरफ जा रही है, जागापुर और लाल गोपालगंज निडौरा जंक्शन पे ख़त्म हो जा रही है। दाईं तरफ देखें अगर दोस्तों यहाँ से, तो फूलपुर और इसके बाद ये प्रयागराज से बाहर निकल जा रही है। अब दोस्तों वापस प्रयागराज जंक्शन पे आ जाते हैं, और अब हम लोग बाईं तरफ का एनालिसिस करते हैं। तो ये पूरा मुफ्ती की तरफ चल जाता है, बाईं तरफ यानी कि पश्चिम की तरफ। अब दोस्तों हम नीचे की तरफ यानी दक्षिण की तरफ आ जाते हैं, तो जब हम दक्षिण की तरफ आते हैं तो ये यमुना नदी को क्रॉस करते हुए यहाँ से नीचे आता है, और दो डायरेक्शन में डिवाइड हो जाता है। एक डायरेक्शन जो कि डांडूपुर स्टेशन से होते हुए नीचे शंकरगढ़ स्टेशन तक जाती है, और दोस्तों आगे दूसरे सिटी में चली जाती है। और फिर दूसरा जो दोस्तों जा रहा है ये लाइन दोस्तों डिगिया और फिर अलाहाबाद से सटे दूसरे किसी सिटी में चली जा रही है। ये दोनों दोस्तों दक्षिण की तरफ जा रही है, एक दक्षिण में पश्चिम की तरफ जा रही है, एक दक्षिण में पूर्व की तरफ जा रही है। दाहिनी तरफ दक्षिण पूर्व है और बाईं तरफ दक्षिण पश्चिम है। अब दोस्तों आखिरी में हम दाहिनी तरफ चले जाते हैं प्रयागराज जंक्शन से, जहां हम लोग अभी नहीं गए हैं, पूर्व की तरफ। पूर्व की तरफ कनिहार और इसके बाद हांडिया और इसके बाद ब्रॉट निकल जाती है, और इसके बाद अपने बगल के शहर में चली जाती है संत रविदास नगर, जिसका नाम है। दोस्तों अगर आप इस मैप को और अच्छे से समझने के लिए डाउनलोड करना चाहते हैं, तो हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिए हैं, आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों धन्यवाद।